अलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोभी शलजम और गाजर का अचार, जो मैं बनाऊंगी पंजाबी स्टाइल से, जो खट्टा मीठा और तीखा होगा और बहुत मज़ेदार ये लगता है। रोटी और पराठा पूरी किसी भी चीज़ के साथ ये बना आप खाएं, बहुत मज़े की लगती है ये। तो ये चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो गोभी शलजम और गाजर के अचार के लिए मैंने, देखिए ये टोटल सब्ज़ी मेरी 1 kg है, तो उसमें मैंने गोभी जो है वो 1/2 kg ले लिया है और गाजर और शलजम भी मिला के दोनों 1/2 kg है। तो अब अपनी मर्ज़ी से जो आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और कम कर सकते हैं दूसरी चीज़ें। तो मैंने देखिए इस तरह गोभी को काट लिया है डंठल के साथ ही इस तरह, और गोभी को भी और ये शलजम के मैंने इस तरह से कट कर लिए, शलजम को और गाजर के इस तरह कट को मैंने इस तरह कट किया है। ये गर्म मसाला जाएगा जिसे मैंने अभी, मुझे पाउडर बनाना है तो मैंने इसमें 1 tablespoon ज़ीरा ले लिया है, 1 teaspoon काली मिर्च होल है और ये 6 है छोटी हरी वाली इलायची, 1 काली इलायची, 6 लौंग और 2 टुकड़े हैं ये सिनेमन स्टिक के, दालचीनी के 2 टुकड़े। तो मैं इन सबको अच्छा सा पाउडर बना लूँगी। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो राई है, तो मैंने ये देखी, मैंने मेरे पास ये येलो सरसों था तो मैंने येलो सरसों 2 tablespoon लिया है मैंने, इस टेबलस्पून से ये जो मिलता है मार्केट में, तो मैंने 2 tablespoon सरसों लिया है और 2.5 tablespoon मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 1 tablespoon मैं अभी ले रही हूँ ये सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट मुझे जब सब्ज़ियों को बॉयल करेंगे उसमें भी थोड़ा पानी में हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसके अलावा गुड़ जाएगा क्योंकि ये खट्टा मीठा और तीखा ये अचार बनेगा, तो इसमें गुड़ डालेंगे हम। ये तो 1 kg सब्ज़ी है, उसमें मैंने 3 tablespoon गुड़ ले लिया है। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा थोड़ा मीठा पसंद हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 tablespoon लिया है। अब इसमें मैं सिरका डाल दूँगी, सिरका इतना रखना है कि ये जो सारे गुड़ हैं वो आराम से पूरा उसमें डूब जाए। देखिए मैंने सिरका इसमें मैंने इतना डाला है कि ये बहुत अच्छी तरह पूरा डूब गया है और इसमें ये डिजॉल्व हो जाएगा सिरके के साथ गुड़। और इस मैंने इसको गुड़ को चूर के पाउडर बना लिया है, और चाहे तो आप इसको बेलन से या किसी भी चीज़ से आप इसे चूर चूर के पाउडर बना लें या फिर कट कर लें, वो मेल्ट हो जाएगा पकने के टाइम। उसके अलावा इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए मैंने एक बड़े बर्तन में पानी रख लिया है बॉयल करने के लिए और काफ़ी सारा पानी रखा है ताकि सब्ज़ियाँ जो है हमारी अच्छी तरह बॉयल हो जाएं। अब इसमें मैं 1 tablespoon सॉल्ट डाल दूँगी। अब हम एक तरफ पानी में नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो हम डाल देंगे और हमें बस ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 minute के लिए बॉयल करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, मैक्सिमम 1 से 1.5 minute बस। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी फिर इसे हम फौरन छान लेंगे। तो देखिए ये सब्ज़ी जो हमारी 1.5 minute तक की बॉयल हो चुकी, अब मैं इसे हटा लेती हूँ और इसे मैं पानी इसका स्ट्रेन करके इसे कपड़े में मैं फैला लूँगी। देखिए तो मैंने सब्ज़ियों को इसका पानी निकाल लिया, अब इसे मैं एक ट्रे में कपड़े ओके ट्रे के ऊपर एक कपड़ा डाल दूँगी कॉटन का, और उसके बाद इसको फैला देती हूँ और मैं धूप में इसे 3 से 4 घंटे तक रख दूँगी। जितनी धूप शाम तक, बस सुबह से शाम तक जितनी धूप आती है 3 से 4 घंटा काफ़ी होगा, या अगर आपके पास धूप नहीं आपके यहाँ आती है तो आप फ़ैन के नीचे भी इसे रख सकते हैं, और 3 से 4 घंटे तक इसका पानी जितना भी निकल जाता है उतना काफ़ी होता है। फिर इसे हम पका लेंगे मसालों के साथ। तो मैंने सब्ज़ियों को अच्छी तरह सुखाने के लिए रख दिया है और वो सूख रहे, 4 से 5 घंटे हो गए उसे, पूरे दिन वो धूप में रहा। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ अचार। तो आप एक बड़ा सा बर्तन ले लें या कढ़ाई कुछ भी, और उसमें हम मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, और अचार वगैरह तो हमेशा सरसों के ऑयल में ही अच्छा बनता है, तो हम सरसों का ही ऑयल जिसमें चाहिए हमें 1 से 150 gram आप ले सकते हैं, क्योंकि अचार है तो उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल जाएगा। तो मैंने 150 gram के करीब इसमें ऑयल डाल दिया है और इसे अच्छी तरह, मुझे क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है तो इसे अच्छे से गर्म करना है, जब तक इसमें से स्मोक ना आना शुरू हो जाए तब तक हम इसे गर्म करेंगे। तो मस्टर्ड ऑयल जो है बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि फिर अगर हमने अभी फ़ौरन डाल दिया इसमें मसाले हम डाल देंगे तो वो जल जाएगा, तो इसको ज़रा ठंडा हम कर लें फिर हम सारे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें 3 tablespoon डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने फ्रेश अभी बनाया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 बड़े चम्मच मैंने डाले हैं 1 tablespoon,
अभी से कुछ सेकेंड के लिए पका लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, सरसों का पाउडर और नमक। हाफ टी स्पून हम डाल देंगे इसमें हींग का पाउडर। अब इसमें हम गर्म मसाले डाल देंगे जो हमने ग्राइंड किया था। गर्म मसालों से अचार से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और ये मसाले जो हैं ऑलमोस्ट सब भून चुके हैं। अब इसमें हम वेजिटेबल्स डाल देंगे जिसका हमने पानी निकाल लिया है। अब इसमें हम वेजिटेबल्स डाल देते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसालों से। अब इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह और सब्जियों को हम एक दो मिनट के लिए और मसालों के साथ पकाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा हमें पहली बार में बॉयल नहीं करना होता वेजिटेबल्स को, क्योंकि फिर इसे सब्जियों के साथ भी कुछ मिनट्स के लिए पकना होता है। तो अगर हम ज़्यादा बॉयल कर देंगे तो फिर ये अचार नहीं बिल्कुल सब्ज़ी हो जाएगी, वो चूर चूर सा हो जाएगा और हमें इसका उसे चूर नहीं करना है। देखिए अभी सारे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सिरका और जो गुड़ को मैंने मिला के रखा था वो हम ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे लास्ट इंग्रेडिएंट डाल देंगे गुड़ और सिरका। अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं बहुत अच्छी तरह। अब थोड़ी देर के लिए बस इसे सिरका और गुड़ के साथ भी पका लेते हैं। और अच्छा, मैंने इसमें येलो सरसों डाला था। अगर आपके पास येलो ना हो तो एक रेड सरसों भी आता है, तो वो आप रेड डालें। और ब्लैक जो राई होती है जिससे हम तड़का लगाते हैं वो मत डालिएगा, उससे कड़वा हो सकता है ये अचार हो जाए। तो येलो या फिर रेड राई आप डालें। और अगर वो दोनों ना हो तो फिर जो तड़की वाला जो येलो ब्लैक वाली वो राई होती है वो बिल्कुल ज़रा सा भी डालें। 2 टेबल स्पून बिल्कुल नहीं डालना है आपको, क्योंकि फिर आपका अचार हो सकता है वो कड़वा हो जाए। तो वो मैक्सिमम बस 1 टीस्पून ले लें अगर ब्लैक राई डाल रहे हैं तो। मैंने कोशिश करें कि आप येलो या फिर रेड लें। ये अचार फौरन बन जाता है। बस अब ये बन गया है, ऑलमोस्ट ये रेडी है। बस थोड़ा सा हमें और पकाना है और उसके बाद ये बस रेडी हो जाएगा। ये जब ठंडा हो जाएगा फिर इसे हम किसी जार में भर के रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाए अच्छी तरह, तो एकदम साफ़ सुथरे जार में, बिल्कुल जो क्लीन हो और ड्राई हो, पानी नहीं होना चाहिए उसमें। और ये अचार काफ़ी दिनों तक चल जाता है। और सर पराठे के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, पराठे पूरी इन सब के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा सा अचार। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल अब रेडी हो चुका है। बस इसे ठंडा करने का इंतज़ार मैं कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे रख दूँगी। तो देखिए ये मेरे अचार का फाइनल लुक है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे। और इसका मैंने टेस्ट किया, नमक मिर्च और इसका जो गुड़ का टेस्ट मिठास है बिल्कुल परफेक्ट है, सब कुछ बिल्कुल सही है। आप 1 केजी में जो जितना भी मैंने मसाला बताया बिल्कुल परफेक्ट है उसका रेशियो जो भी है। तो आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें इस सीज़न में, क्योंकि अब सर्दियाँ जाने वाली हैं। तो आप भी जो सब्ज़ियाँ हैं अभी सर्दियों वाली उससे ज़रूर ये अचार बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा।